सरकार के स्थानांतरण आदेशों के बाद निशांत कुमार यादव ने सोमवार को करनाल जिला के नए डीसी का पदभार ग्रहण कर लिया है। वर्ष 2013 बैच के आईएएस इससे पूर्व नगर निगम में आयुक्त के पद पर थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद निशांत कुमार यादव ने सोनीपत में बतौर एसडीएम के पद से अपनी शुरुआत की। इसके पश्चात करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर रहे और फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव बने। गौर हो कि निशांत कुमार यादव के अतिरिक्त उपायुक्त रहते करनाल जिला ग्रामीण स्वच्छता रैंकिंग में पूरे भारत में सातवें स्थान पर तथा उत्तरी क्षेत्र में तृतीय स्थान पर रहा था। यही नहीं, ग्राम स्वराज अभियान में भी करनाल प्रदेश का अग्रणी जिला बना था। नगर निगम आयुक्त के पद पर रहते इन्होंने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें नागरिकों को पॉलिथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। नगर निगम में करीब 4 महीने की अल्प अवधि में ही शहर को गार्बेज फ्री करने और राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में 3-स्टार रेटिंग जैसी उपलब्धियां इनके नाम रही। अब उपायुक्त के पद पर रहकर करनाल को विकास के मामले में अग्रणी बनाए रखने के लिए काम करेंगे। उपायुक्त का पद ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार यादव ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी स्कीमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, सभी विभागों में समन्वय स्थापित रहे, मुख्यमंत्री की घोषणाएं तय समय में पूरी हो तथा नागरिकों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। इसमें चाहे आप शीरो रूम लगा लो या कुछ मॉडर्न टॉयलेट है, सारे के सारे ऐसे हैं जो या तो गेम पे ताले लगे मिलते हैं या किसी में कोई टूट फूट नहीं होता। ये बात पिछले भी कुछ दिनों जब मैंने ज्वाइन किया था कमिश्नर के तौर पे तो आई थी और हमने फिर उसमें एक रिसेंटली टेंडर फ्लोट किया था। उसमें हमने एक तो इनकी सब तरह की मेंटेनेंस, चाहे वो नल हो, डिब्बे हो, टंकी हो, फ्लश हो, सारा सिस्टम, सब तरह की टाइल्स हो, सफेदी हो, ये मेंटेनेंस, और उसको सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्सन, एक आदमी वहाँ चाहे 2 शिफ्टों में रहे या जैसे भी रहे मौजूद रहे, वो टेंडर हमने फ्लोट किया है और वो आई थिंक 30 तारीख के आज 1-2 दिन में खुलने की उसकी डेट थी। जैसे वो ओपन होगा इमीडिएटली उसको अलॉट करके और वो उस कंपनी नहीं हुआ। डीसी साहब से तब पूछा, तब जवाब नहीं दिया, धान घोटाले में उनसे वर्दन लेना चाहा, कभी कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। मेरी वेल नोटेड, मैं दिखवा लेता हूँ, मेरे संज्ञान में इंफेक्ट ये मुद्दे तो थे बट चूंकि आज ही ज्वाइन किया तो देख नहीं पाएंगे। उस समय का जो डीएफएस थे शायद बुरा बुरा कर रहे थे, कुशल बुरा, वो समय ट्रांसफर देकर चले गए, दोबारा धान घोटाले में फिर वो आए, फिर दोबारा से धान घोटाला अभी पूरा करके फिर वो दोबारा चले गए, मतलब दोनों घोटालों को अंजाम दिया गया लेकिन आखिर तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस बारे में कोई जांच नहीं हो पाई। मैं खुद इसमें पर्सनली सुपरवाइज भी करूंगा और ये ज्वलंत मुद्दे रहे हैं पिछले काफी टाइम से करनाल जिले के लिए। गंभीर मामला है कि मुख्यमंत्री से भी पूछा गया, अधिकारियों के संज्ञान में है, मतलब एक भी डीएफएससी के अधिकारी के खिलाफ 2 बड़े-बड़े घोटाले हो जाते हैं, सभी अखबारों की सुर्खियों में रहा, चैनलों की सुर्खी में रहा, मतलब क्या ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं कि उनके उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल वेल नोटेड, मैं इस पे पर्सनली इस पे ध्यान भी रखूंगा और हम जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरीके से अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही आती है किसी भी कोस्ट पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनफैक्ट खुद सीएम साहब ने तहसील विजिट करके वो मैसेज जो है वो सबको पूरे हरियाणा को पहुंचवाया है कि भाई किसी भी तरीके से करनाल के खुद के जब होम डिस्ट्रिक्ट में वो इंस्पेक्शन करके इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, किसी भी कोई भी अधिकारी अगर कोई गड़बड़ी करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक तहसील में जितने भी बाहर जो एक शेड आपने दिए हुए हैं वो जानकारी है कि 17 से 18 ही रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद 55 से 60 लोग वहां बैठते हैं, आज तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीधा 4% लेते हैं जबकि वो नहीं ले सकते। जो वसीका नवीस है इनकी लाइसेंसिंग पे भी जो उस दिन जब सीएम साहब आए थे तो ये मुद्दा आया भी था और उनकी वेरिफिकेशन के लिए बात आई थी। इनफैक्ट उसके बाद काफी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस दी है वसीका नवीस ने की, एज पर द रूल उनका एग्जाम होता है जो कि हर प्रेस्क्राइब टाइम के बाद 3 महीने बाद या 3-4 महीने बाद वो एग्जाम कराया जाता है, तो वो उनको चांस दिया है, एक बार वो अगर एग्जाम पास कर लेते हैं बिल्कुल उनको लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा, नहीं तो उनको हटवाएंगे। सवाल गंभीर है कि करप्शन तो हम ही बढ़ाते हैं क्योंकि सालों से वो यहाँ पर बैठे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कमीशन को मतलब बड़े लेवल पे वही पहुंचा रहे हैं लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, वेल नोटेड, इसमें जो 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 बिना लाइसेंस होल्डर्स बैठे होंगे और प्रेस्क्राइब टाइम के बाद भी बैठेंगे एग्जाम पास ना करके उनको इमीडिएटली उठाया जाएगा। क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं रहा, अगर हम रेवेन्यू टर्म्स से बात करें तो उसका खसरा नंबर 1 दिया जाता है पूरे के पूरे लाल डोरा। सरकार की योजना है कि उस पूरे लाल डोरा में हम उस लाल डोरा को डिजिटलाइज करके और उसमें यूनिक कोड्स दे देंगे, प्रॉपर्टी कोड्स, और संबंधित ग्रामवासियों को फिर उसकी
कन्वेंस डीड रजिस्टर करके दी जाएगी जो उनके ओनरशिप डॉक्यूमेंट की तरह रहेगी, ताकि उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, उस पर कब्जा हो गया वो मेजर कराना चाहे तो उनको उसकी सहूलियत मिलेगी। तो उससे जो जमीन के कब्जे के झगड़े हैं वो भी सॉल्व होंगे, पार्टीशन बंटवारे इस तरह के विवाद भी खत्म होंगे। इस संदर्भ में पहला जो गांव सिरसी गांव जैसे आप लोगों के ध्यान में है कि उसको सीएम साहब ने टेकअप किया था, वो लगभग लगभग पूरा काम हो गया है। आने वाले 15 दिन में हम जो है कन्वेंस डीड रजिस्टर करवाएंगे जो ग्रामवासी हैं उनके हक में। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसी प्रकार से जो है धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा के सारे गांव आने वाले वर्षों में सरकार इसको टेकअप करेगी। तो एक तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो 15 दिन में हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो एक रामनगर जो पड़ता है रेलवे के पास, उनकी काफी लंबी डिमांड थी रेलवे फुट ओवर ब्रिज की, उस पर कार्य जोर शोर से चल रहा है और वो भी जल्द ही कंप्लीट होने की संभावना है। लगभग लगभग वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी पूरा होने के कगार पे है। इसी प्रकार से जो भी प्रोजेक्ट हैं इसमें काफी अभी कुछ 50 से करीब प्रोजेक्ट का सीएम साहब ने 12 सितंबर को जब वो चुनाव से पहले आए थे तो उसमें उद्घाटन किया था, उसमें से कुछ उद्घाटन भी थे इनफैक्ट कुछ फाउंडेशन स्टोन्स थे, तो वो भी कार्य प्रगति पे हैं, जल्दी जो भी पूरे होंगे वो उनकी सूचना भी आपको समय समय पे। अब इसमें चाहे वो तहसील ऑफिस हो या बाकी जिले के और ऑफिस हो, अगर किसी भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद तहसील में आकर के इंस्पेक्शन किया था, तो इमीडिएट तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एज ऑफ नाउ जो भी हमारे करनाल जिले की जितनी भी तहसीलें थी उन सबके कंप्यूटर ऑपरेटर्स बदले जा चुके हैं, जो क्लर्क्स लगे हैं चाहे वो रजिस्ट्री क्लर्क्स हों या इवन सरल केंद्रों में MRC DLC होते हैं, उनकी भी हर 6 महीने में शफलिंग करेंगे ताकि ये कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई होल्ड ना बना के रखे। पूरी कोशिश ये रहेगी कि सारे के सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं कर्मचारी हैं वो समय पर आए, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए या और किसी भी तरीके से सुपरविजन कराई जाए, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। गुड गवर्नेंस जो है, और इनफैक्ट 2020 वाला जो आने वाला वर्ष है, इनफैक्ट आपको बताने ही वाला था, ये जो है सुशासन संकल्प वर्ष बनाने का हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को एक अच्छा शासन सुशासन प्रोवाइड करवाया जाए। डीसी सर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कभी भी किसी डीसी ने अपनी तरफ से पहल नहीं की, कभी हमने देखा कि कोई डीसी करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में गए हो या कल्पना चावला में गए हो, मरीजों से मुलाकात की हो, वहाँ खामियां बहुत हैं उसके बारे में कभी कोई ध्यान दिया हो, कभी कोई टेस्ट रिलीज भी ना ही DPR डिपार्टमेंट की तरफ से आया ना ही हमारे पास कोई जानकारी आई, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई डीसी जो है स्वास्थ्य सेवाएं जिले की हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता? पूर्व में भी डीसी रहे, उससे पहले भी डीसी रहे हैं, आज तक नहीं देखा कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में गए हो, निरीक्षण किया हो, कोई खामियां पाई हो, उसको सुधार करे हो? नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट अगर हम देखें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग या जो खर्चा देखें तो एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसी सर्विसेज हैं जिसपे आम आदमी को बहुत खर्च करना पड़ता है। तो एजुकेशन में ऑफकोर्स गवर्नमेंट अच्छा कर ही रही है, हेल्थ में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग अभी भी गवर्नमेंट सर्विसेज पे निर्भर भी हैं और गवर्नमेंट की ये दायित्व भी बनता है कि उनको बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल करा के दें। उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंस्पेक्शंस के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, मोटिवेशन के जरिए, दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके भी जरिए, किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरह की कमी ना आने दी जाए। मैं पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर के बोलना चाहूंगा। सर, गोंडा हल्के के तमाम आप यहाँ नियुक्त हुए हैं, आपका धन्यवाद, वेलकम है। नए साल पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? पूरे करनाल वासियों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका पूरा साल शुभ हो, मंगलमय गुजरे, यही मेरी कामना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी करनाल पर? प्राथमिकताएं रहेंगी कि जो भी सिटीजन सर्विसेज डिलीवरी हैं वो हम टाइमली कर पाए, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर पाए, जो भी हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस उद्देश्य से वो बनाई जाती हैं उनको उस उद्देश्य से पूरा करें, लोगों को किसी भी किस्म का किसी भी दफ्तर में प्रॉब्लम ना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।